नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल My Full Flower Garden और मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं मेरे गार्डन में लगे हुए पर्सनल फ्लावर प्लांट जो काफ़ी ब्लूमिंग पर हैं। वैसे इनको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि पर्सनल कुल्फा आदि नामों से भी इनको जाना जाता है और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से भी जानते हैं। यह बड़ी आसानी से लगने वाले फ्लावर प्लांट हैं। इनको उगाने के लिए एक छोटी सी कटिंग लेकर आप बड़ी आसानी से इनको किसी भी प्रकार की मिट्टी में लगा दीजिए और बड़ी आसानी से यह ग्रो हो जाते हैं। यह मार्च से लेकर अगस्त सितंबर तक काफ़ी ब्लूमिंग करते हैं। एक पौधे पर ही काफ़ी लगभग सैकड़ों फूल एक बार में दिखाई देते हैं। ये देखिए, मैंने ये दो गमलों में लगा रखे हैं और काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इनमें डिजीज की बात करें तो इनमें मैंने देखा है कि इनमें मिलीबग का अटैक हो जाता है। इसे बड़ी आसानी से आप इन्हें रिमूव भी कर सकते हैं। इसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं और एमेडा क्लोपराइड नाम से एक केमिकल रासायनिक इंसेक्टिसाइड आता है, उससे भी आप इनको आसानी से हटा सकते हैं। ईजिली आप इनको पानी से अच्छी तरह से वॉश करते तो यह मिलीबग हट जाते हैं। देखिए कितने सुंदर देखने में लगते हैं। यह गार्डन वो चार चार चांद लगाने का काम करते हैं रेनी सीजन में। इनकी ब्लूमिंग अधिकतर रेनी सीजन में काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। यह बिना खाद पानी के चलने वाला प्लांट है, जिसे नॉन केयर प्लांट कह सकते हैं। इसमें कई शेड आते हैं, यह पिंक है, येलो है, इधर ये दूसरा रेड, ये वाइट कलर, ये पिंक कलर और ये कुछ डबल शेड में। लगभग मेरे पास इसके 10-15 कलर शेड आपको देखने को मिल जाएंगे। आप भी अपने गार्डन में इन्हें बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं एक छोटी सी कटिंग से। इसके खाद पानी की बात करें तो इसमें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इसकी सॉइल बेल्डर बनाएं, एक भाग खाद, एक भाग सैंड और एक भाग इसमें आप मिट्टी मिला के लगा दीजिए। यह बड़ी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो आप भी अपने गार्डन में इनको लगाइए और अपने गार्डन को खूबसूरत व फूलों से महकाइए और सुंदर बनाइए। मैंने अपने गार्डन में यह लगभग हर तरफ इन्हीं को लगा रखा है, जिससे यह मेरे गार्डन को फूलों से, अपने कलरों से खूबसूरत बना रहे हैं। आप भी अपने गार्डन में लगाइए और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।